आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आवर क्वेश्चन इज देयर आर फोर टैक्स स्लैब्स, नेमली 5%, 12%, 18% एंड डैश फॉर ऑल गुड्स और सर्विसेज। कह रहा है कि चार टैक्स स्लैब हैं, 5, 12, 18 और एक और है, वो कौन सी है? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है, यहाँ पर GST की बात हो रही है, जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। तो देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो उसमें ना टैक्स की चार स्लैब दी हुई है, तो वो चार स्लैब कौन सी है? 5%, 12%, 18% और एक जो है, जो यहाँ पर आएगा वो क्या है, 28%। देखो, हमारे यहाँ ना ग्रुपिंग की हुई है टैक्स में, कि इस पर्टिकुलर इन चीज़ों पर ये वाला टैक्स स्लैब लगेगा, इन चीज़ों पर ये वाला टैक्स स्लैब लगेगा, तो वो ग्रुपिंग की हुई है यहाँ पर। तो कुछ जो प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, जहाँ पर जो एक्ट में है सारी लिस्ट वगैरह सब दिया हुआ है, तो कुछ उनमें से ग्रुप किया हुआ है जिनको 5% टैक्स रेट लगेगा, कुछ ग्रुप किया गया है जिनको 12 लगेगा और कुछ को 18, और जो लास्ट होता है वो किसका है, 28%। ठीक है ना? तो GST जो होता है, गुड्स एंड सर्विस पर टैक्स होता है, जो कि 2017 में हमारा आया। तो इस एक्ट में हमें चार स्लैब रेट दी हुई है टैक्स की, तो वो चारों स्लैब रेट अलग अलग तरह के गुड्स पर लगती है। ठीक है ना? तो कुछ कंसेशनल रेट से लगती है तो 5% लगती है, ठीक है ना, कुछ पर ज़्यादा टैक्स होता है लाइक, तो उस पर क्या कितनी लगती है, 28। तो ये था हमारा आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।